हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट पावर बीआई। ये पावर बीआई की न्यू अपडेटेड कोर्स है। जी हाँ, जो हमारे पुराने पावर बीआई कोर्स था उसी कोर्स को मैं अपडेट कर रहा हूं, और अभी भी आपके पुराने अमाउंट पे ही मिल जाएगा। जी हाँ, कैसे बाय करेंगे मेरे कोर्स को? तो आपको जाना है कोर्स में, हमारी एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग पे जाके मेरे ऐप को पहले डाउनलोड करना है। ऐप हमारा आईओएस और एंड्रॉयड दोनों पे है। आईओएस के लिए आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, और एंड्रॉयड के लिए भी लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट जो है, मेरी वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। app.iptindia.com पे मेरा वेबसाइट है, वहां पे आपको मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे। इस पावर बीआई में ऑलरेडी अभी जो है 98 वीडियोज है, बट मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, मैं कुछ वीडियो ऐड किया है, तो ये 99 वीडियोज और 10 फाइलें ऐड हो चुकी है हमारे इस कोर्स में। इसमें आप जाके देखेंगे व्यू फ्री कंटेंट में, यहाँ पे कुछ वीडियोज, नए वीडियोज मैंने डाला, जिसको आप बिना परचेज के भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल ये 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जस्ट 500 रुपीज में। यहाँ पे जाके डिस्काउंट कूपन अप्लाई करेंगे तो 500 रुपीज में आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही कोर्स में हमारा कंटेंट में जाके देखिए, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर आया है, न्यू कोर्स इंटरफेस, जिसमें मैंने अभी 4 वीडियो अपलोड किए हैं, पांचवा अपलोड होगा। तो इस वीडियोज में आपको ये सारे वीडियोज न्यू वाले मिल जाएंगे, पुराने वाले तो ऑलरेडी 98 वीडियो, 97 98 वीडियोज है, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सेम प्राइस, जैसे ही मेरा कोर्स पूरा होगा, प्राइजेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, डिस्काउंट हट जाएगा। तो अपना टाइम जो है का फायदा उठाइए और बाय कर लीजिए, और 5 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ऐसे ही आपको अगले साल 2025-26 की इंटरफेस ऐड होगा, फिर हर साल इसमें नए ऐड होते जाएंगे। जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उनको दोबारा से परचेज करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। Recording in progress. तो पावर बीआई की नई कोर्स में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं पावर बीआई की डेटा इंटरफेस के बारे में। जैसे हम किसी डेटा को एक्सेल या किसी भी डेटा सोर्स से जब कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीआई टेबल को ही, जो मैंने लास्ट टाइम जो डेटा मैंने शेयर किया है, उसी बीआई टेबल को ही यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ओपन किया। और यहां हमने डेटा को सिलेक्ट किया, देन यहां लोड पे क्लिक कर दिया। और यहां पे देखिए डेटा यहां आ गया। अब डेटा के फील्ड से समझिए डेटा क्या है। देखिए डेटा के साथ फील्ड के सामने कुछ आइकन्स लगे होंगे। ये जो सम ऑफ का साइन आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ का साइन का मतलब है कि ये नंबर्स है, मतलब इसके नंबर को कंटेन किया है। कैलेंडर इस्तेमाल, इसका मतलब है कि इसमें कैलेंडर मतलब कि डेट है। इसके अलावा किसी सामने कोई भी आइकन नहीं, इसका मतलब है कि वो आपका टेक्स्ट है। तो यहाँ हम डेटा वाले सेक्शंस में आते हैं टेबल व्यू में, जहां आप देखेंगे कि बहुत सारे डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसमें अब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और मान लीजिए कोई कॉलम नहीं चाहिए, मुझे आईडी कॉलम नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके मैं यहां से डिलीट कर सकता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे कॉलम्स को डिलीट कर, बट डेटा डिलीट अब चाहते हैं कि मैं रो डिलीट कर दूँ, बोले रो नहीं चाहिए, तो ऐसे रो वगैरह डिलीट नहीं करेंगे। जब भी डिलीट होगा कॉलम डिलीट होगा, कोई रो डिलीट नहीं होगा। अब कॉलम की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते, यहाँ पे देखिए डेट है, बट डेट जो है यहाँ से डेट आपके कॉलम का नेम है जो चेंज कर सकते हैं। हाँ, कॉलम का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ आप जो है, यहाँ पे डेट के जगह पे मैं लिख देता हूँ पी डेट, मतलब परचेज डेट, तो अब परचेज डेट हो गया, पी डेट हो गया, चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे डेटा टाइप क्या डेट है, यहाँ पे या डेट एंड टाइम भी कर सकते हैं। डेट टाइम करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइम भी आ जाएगा, बट टाइम नहीं है इसलिए डेट है। उसके अलावा यहाँ आता है फॉर्मेट, कि ये फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ से डेट का फॉर्मेट चूज कर सकते, मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट ले लिया, तो अब जो है डेट कुछ इस फॉर्मेट से दिखेगा। तो डेट की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट पे आए तो टेक्स्ट में कुछ खास चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, एमआरपी आ गया। अब एमआरपी में अब दो चीजें कर सकते हैं,
कि नंबर है यहाँ पे, देखिए समराइजेशन मतलब कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा अपने विजुलाइजेशन पे आऊंगा, अगर मान लीजिए मैं कार्ड में या किसी चीज में इस अमाउंट एमआरपी को मैं डालूंगा तो एमआरपी सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 2 मिलियन यहाँ पे सम ऑफ एमआरपी आया। लेकिन सम ऑफ एमआरपी सही नहीं है, क्यों नहीं है सही, क्योंकि एमआरपी पे एवरेज होना चाहिए। तो मैं यहां से डिसाइड कर सकता हूँ मुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोल दिया एवरेज। हालांकि मैं चेंज बाहर भी कर सकता हूँ, यहाँ भी मैं इस सम एमआरपी को मैं यहाँ से जैसे पिवट में हम लोग करते हैं ऐसे एवरेज किया जा सकता है। लेकिन अब मैंने डेटा में जाके इसकी सेटिंग ही चेंज कर दी कि भाई बाय डिफॉल्ट एवरेज ही रहेगा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे कार्ड लेता हूँ और कार्ड के अंदर एमआरपी को डालता हूँ। जब मैंने एमआरपी को डाला तो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे एवरेज ही आया, क्या आया, बाय डिफॉल्ट एवरेज ही आया। बट मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट है, यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए, तो मैं परसेंटेज क्लिक किया, ये परसेंटेज में आ गया। प्रॉफिट अमाउंट जो है यहाँ पे, अमाउंट की प्रॉफिट है, ये डेसिमल है, बहुत ज्यादा डेसिमल है, मैं चाहता हूँ डेसिमल ना हो, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। अब यहाँ पे आता है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वगैरह सिंपल है, टारगेट है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये स्टोर है जो कि सिटी है, तो मैंने इसको क्या किया, ज्योग्राफिकल डेटा में सिटी सिलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि जब मैप चार्ट वगैरह लगाऊंगा तो मेरे लिए आसानी होगी। तो पहले हमने 2 चीजों पे डिस्कस किया, पहले कि हम किसी भी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, दूसरा हम कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हैं, तीसरा हम कॉलम के अंदर दी गई डेटा को, जैसे डेट को डेट फॉर्मेटिंग में, नंबर फॉर्मेटिंग में, या चीजें या परसेंटेज में, या डेसिमल वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किसी भी कॉलम की क्या कैलकुलेशन डिफॉल्ट होगा, ये डिफॉल्ट कैलकुलेशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मैं यहाँ खुद की कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये हमारी टारगेट है, ये हमारा क्वांटिटी है, मैं ये देखना चाहता हूं कि किसने कितनी टारगेट, कितना टारगेट कम या ज्यादा किया है, मतलब मैं क्वांटिटी को माइनस करना चाहता हूँ टारगेट से। माइनस में आया मतलब कि उतना कम किया, प्लस में आया मतलब उतना ज्यादा किया। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे कॉलम टूल्स पे आइएगा, टेबल टूल्स भी रहेगा, यहाँ पे कॉलम टूल्स पे जब आइएगा, किसी कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो कॉलम टूल्स अपने आप चला आता है, उसमें यहाँ पे दिखेगा न्यू कॉलम्स। अब न्यू कॉलम्स के अंदर यहां मैंने क्या किए, डालें फील्ड की ACHTRG, नाम अपने हिसाब से जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और यहां हमने बोला कि हमारा जो टारगेट है, अब यहाँ पे पूरा फील्ड को मैन्युअली लिखना नहीं है, अब लिखिए आपके सामने दिख जाएगा, एरो निशान से ऊपर नीचे कीजिए और टैब से सेलेक्ट की लीजिए, देन माइनस, मैं यहाँ पे क्वांटिटी माइनस टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को लिया माइनस टारगेट किया, और जैसे एन पे प्रेस करेंगे ये देखिए यहाँ पे आ गए, तो माइनस वाले माइनस में, प्लस वाले प्लस में आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे जस्ट मैंने माइनस प्लस किया, बट इसमें बहुत सारे डैक्स फॉर्मूला है, वो भी अप्लाई करेंगे, वो हम आई क्लासेस में आपको देखेंगे, या फिर हमारे ओल्ड कोर्स जो है उस वाले फोल्डर में जाके डैक्स फंक्शन देख सकते हैं। कुछ डैक्स फंक्शन नए आए हैं, बाकी सब पुराने, तो जैसा है वैसा ही है। अब यहाँ पे हम आते हैं डैशबोर्ड पे, अपने हिसाब से जो देखना चाहे यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहे, किसी भी डाउट्स के लिए स्क्रीन पर नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं। Recording stopped. और फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।